Assalamu alaikum and hello people, what's up? Welcome back to Ashokra Creation. My name is Charis. My name is Energy. Energy. Oh, that one. Goa brand. भाई ये दूसरे ढंग में इतना एक्टिव रहता है, पता नहीं वीडियो में क्या हो जाता है बंदे को। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं अनदर रमजान स्पेशल ड्रामा। ओके, माइक इज करेक्ट। रमजान स्पेशल ड्रामा, जिस ड्रामे का नाम है परिस्तान। परिस्तान इज अ वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस थिंग। वी आर रिएक्टिंग ऑन द टीजर्स एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, क्या चौधरी एंड सन्स परिस्तान और हम तुम के ओएसटीज नहीं आए हैं, डायरेक्ट ड्रामा शुरू है, क्या हुआ है? एंड ऑलरेडी हमने चौधरी एंसेंस और परिस्तान सॉरी हम तुम जो कि रमजान स्पेशल ड्रामाज है उसके ऊपर रिएक्शन दिया है टीजर्स के ऊपर। आज हम लोग कर रहे हैं इसके तीन टीजर्स और एक प्रोमो के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन दिस। आई एम लिटरली, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि इसमें कौन है, क्या है, किस बारे में ड्रामा है, बिकॉज सिर्फ नाम ही सुना है मैंने। एंड बेहतर होगा कि या बेहतर होगा कि हम लोग लीड एक्टर्स के एटलीस्ट नाम देख लें, हमको कुछ आइडिया मिलेगा। बनिया, a young girl who likes to live with imagination and fantasies filled with all beautiful and quintessential polar opposite. No details about the lead actors and I think मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने I think इन दोनों को पहली बार देख रहा हूँ। I don't know about you. So let's start the reaction on teaser 1, उसके बाद teaser 2, उसके बाद teaser 3, उसके बाद promo, उसके बाद Inayat will have a very long, long, long discussion about this. Let's see. Sehri se iftari tak. Yeah. Sehri tak. We're catching a while. 11:30. Yeah. Iftari tak aram se. Sehri tak. Sehri tak. Okay. So on that's only on home TV.
छोटा वाला 20 सेकेंड वाला एंड ये आई थिंक हम लोगों को पहले रिएक्ट करना था. विल सी एंड देन विल डिस्कस. लेट्स स्टार्ट. ऐसा नहीं कि एक शो है जो अमेजिंग स्टोरी है और उसके ऊपर कुछ शो बना, ऐसा नहीं है. इट्स लाइक रमजान है तो उसके हिसाब का एक शो बनाया हुआ है. मतलब रमजान स्पेशल है, स्लॉट है, तो उसके हिसाब की एक चीज उन्होंने परोस के रेसिपी बना के बनाई गई है यहाँ पे. ऐसा नहीं मुझे लग रहा है कि इट्स समथिंग वेल थॉट और वेल कुछ रिटन, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है. इट्स अ प्रोजेक्ट. आई डोंट वांट टू कंपेयर इट, बट सिर्फ मुझे घर ही सुनो चंदा जैसा नहीं लगा. ओके, कुछ स्टोर मतलब कि प्लॉट कुछ यू नो, यहाँ तक कि जो मुझे थंबनेल दिख रहा है यहाँ पर सब लोग ये बैठे हैं एंड सडनली एवरीवन कम एंड जॉइन और ये जो भी है कुछ इसी तरीके का सुनो चंदा का एक फर्स्ट लुक ऐसा ही था. एवरीवन इज सिटिंग फॉर द ग्रुप पिक्चर एंड सडनली फरहान एंड दिस इकराज इज एंड दीस गाइस कम एंड दे हैव सम नोक जोक और कुछ वाइट कपड़े में ही सब लोग थे. वो कुछ वैसा ही दिख रहा था मुझे. बहुत सारी चीजें सिमिलर दिख रही थी और यहाँ तक कि जो सेकेंड टीजर में हम लोगों ने जो कैरेक्टर्स देखे हैं, दो कैरेक्टर्स उसमें एक कैरेक्टर था जो कि आई थिंक बाद में आता है, व्हाट्स हिज नेम, या वो जो उनके पप्पू का कोई बंदा होता है और कुछ उसी तरीके का कैरेक्टर दिखा हुआ. या फिर सुनो चंदा का जो उनका जो चाचू होगा पप्पू पप्पा होता है और वो जो बिल्लो होती है उसी तरह ये कैरेक्टर्स मुझे दिखे. सो इट लुक्स वेरी सिमिलर. या डेफिनेटली प्लॉट कुछ अलग होगा, डेफिनेटली वो तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज आई एम सेइंग कि जो एक्सपीरियंस मैंने सुनो चंदा किया एंड आई डेफिनेटली वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा था और हम टीवी का ही था और सेम ड्रामा के ऊपर से मतलब सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर तो हम टीवी वाले करेंगे नहीं. देयर विल बी सम डिफरेंस इन दिस एंड बट मैंने एक चीज नोट किया यार, ऐसे ड्रामाज में खासकर शादी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब शादी जरूरी होती है. मेबी रमजान के बाद बहुत सारी शादियां होती हैं इसीलिए. मेबी बहुत सारे लोगों की शादियां नजदीक होती हैं. आई थिंक उन्होंने तीन ड्रामा जो रमजान स्पेशल देखे हैं तीनों भी शादियों की बात थी. राइट, चौधरी एंड चंद्र पे शादी की जिक्र थी एंड हम तो मैं इट इज अबाउट अ शादी ओनली, इट्स अबाउट लव लव एंड शादी एंड ऑल. और यहां पर भी शादी की बात चल रही है, जहेज की वगैरह. सी लव एंड शादी और मौत, ये जो तीन चीजें होती है ना, ये बहुत लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें होती है और हर एक इंसान उससे रिलेट कर पाता है. अब डजंट मैटर कोई 30 साल का हो, 40 साल का बंदा, 50 साल का बंदा हो, लव और शादी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट मिलता है. वहीं पे ज्यादा बहुत जिंदगी के ज्यादा बहुत ड्रामे. देखिए ड्रामे सीरियल में ही नहीं होते, ड्रामे एक नॉर्मल लाइफ में भी होते हैं. अब एक बंदे ने समझो कि उसने लाइफ में कभी उसने देखा नहीं है कोई ड्रामा, उसकी भी लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रामा होता है. अभी हम बोलते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा ड्रामा करते हैं यार, इनका तो बहुत ड्रामा है फैमिली का ये सब, लेकिन ड्रामा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है. तो अगर हो जाए तो देखें तो शादी है और ये जो दे आर लाइक हॉट केक्स, बहुत सेल होते हैं. डेफिनेटली इट्स अ हॉट केक, बट व्हाट आई एम सेइंग अदर देन दैट भी दे आर लॉट ऑफ प्लॉट्स. हां है, लॉट ऑफ प्लॉट्स हैं, बट दिस इज ऐसे रेंज में आता है जहां पे रिस्क कम होती है. मतलब लो रिस्क मतलब हाई रिटर्न, मतलब चलता है शादी वाली की. इंडिया में भी अगर ले लो तो मोस्टली सारे के सारे शोज शादी लव पे ही बेस्ड है, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं. सोनी और एक थोड़े से चैनल्स हैं जो कि नए नए चीजें लेकर आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली मैरिज लव और शादी होती नहीं है. रिश्ता देख रहे हैं या रिश्ता होने वाला है, मंगनी हुई है, इसी पे ही बेस्ड होता है सब कुछ. एंड आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल द पाकिस्तानी ड्रामास बिकॉज़ मैंने पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत अलग देखे हैं. एहदे वफा हो जाए या परिस्तान हो गया, सॉरी परिजात हो जाए, देयर आर लॉट ऑफ ड्रामास जो कि अलग प्लॉट में. आई एम सेइंग अबाउट दिस रमजान स्लॉट. ओके, ऐसा नहीं कि पूरे पाकिस्तान, बिकॉज आई नो पाकिस्तान में बहुत सारा अदर टाइप ऑफ कंटेंट जो, एंड आई थिंक एहदे वफा इज वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट एग्जाम्पल, या फिर परिजात इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो कि लाइफ के ऊपर एंड ऑल बेस्ड है. बट जो हम लोगों ने जो रमजान स्लॉट्स के ये जो तीन है ये देखे या फिर पुराना जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है वो देखें, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ. आई थिंक दिस इज द टॉपिक जो कि आई थिंक रमजान में
चलेगा मतलब कि फ्रेंडशिप कजन्स दोस्ती स्ट्रगल हल्के फुल्के इमोशंस ऐसे ऐसे लो ऐसे थोड़े बहुत ही इंटेंस हो जाएंगे रमजान के माहौल के हिसाब से तो दे मेक दिस एंड आई थिंक या डेफिनेटली लव चक्कर मतलब कि जो होता है इसमें जो ये नोक जोक होती है आई थिंक ये दूसरे प्लॉट्स में नहीं होती बट स्टिल अगर देखना जाए तो आई थिंक पाकिस्तान हैव मोर यू नो कंटेंट राइटर्स जो कि वो कर सकते हैं कुछ कमाल इसके अलावा भी शादी के अलावा भी एनीवेज पाकिस्तान के टीजर्स के बारे में बात करें तो आई हॉनेस्टली सेइंग मैंने किसी को पहचाना नहीं यहाँ पर नॉट इवन अ सिंगल एक्टर डिड यू नो and let us know though the faces seem familiar and maybe we have seen them but jaise ki hum logon ko kuch naam hai jo ke hum log dekhte hi pata chal jayega waise actors mein yahan par nahi mile jo ke hum Chaudhry and Sons aur hum tum dono mein milte ya chahe woh Imran Ashraf ho ya fir hamare Ahad Raza Mir ho Ramsha Khan ho ya fir Aiza abhi tak aaya nahi hai video wo वो तो उन लोगों को पहचान देते हैं यहाँ पर आई डोंट थिंक हम लोग या मे बी वी हैव सीन देम इन अ वेरी ओएसटी जहाँ पर साइड एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर्स कुछ इस तरीके के हो सो यार दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन पाकिस्तान टीजर्स एंड फर्स्ट लुक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट टाइम किस पर रिएक्ट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए मोर एंटरटेनमेंट इतना शरीफ नहीं है बंदा जितना बनता है दिस मोहम्मद शाबिस शहर शहर टपक रहा है साइनिंग ऑफ वाह 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 वाह